वेलकम टू आवर इन्फॉर्मर ट्यूब गुरु। आज मैं आपको यूट्यूब का कोई भी एक चैनल, अगर आपके यूट्यूब के बहुत सारे चैनल होंगे तो आपको एक चैनल डिलीट करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है, थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। कैसे करना है वो एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। तो मेरे ये स्क्रीन पे क्रोम ब्राउज़र है, मैं इस पर आपको बताऊंगी। इसमें आपको youtube.com, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी आपके लिए मैं लिख देती हूँ, www.youtube.com, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, सर्च करना है। तो हम YouTube पे चले गए, ठीक है। तो अभी ये सर्च हो रहा है, थोड़ी देर लगेगी। पूरा का पूरा वीडियो आप देख लो, ठीक है, आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है, ठीक है। अभी ये हमारा जो चैनल है उसके आइकॉन पे आपको क्लिक करना है, ये लोगो है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये सर्च। इसमें आपको स्विच अकाउंट में जाना है, ठीक है। स्विच अकाउंट में जाने के बाद आपको ये सारे चैनल्स होंगे, इसमें कौन सी चैनल आपको डिलीट करनी है वो आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ये मेरा एक चैनल है वो डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये सर्च हो रहा है, स्पीड पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो आपकी स्पीड जितने उस पर ये आएगा, ठीक है। अभी ये सर्च हो रहा है, अभी इसमें क्या करना है, ये थ्री डॉट आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। उसमें आपको डिलीट ऐसे लिख के आया है, मैं आपको दिखाती हूँ इस पेज पे। इसमें रेड लाइन में ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, तो वो देख लीजिए। मैं आपको जूम करके यहाँ पे जूम कर रही हूँ। कस्टम यूआरएल, मूव चैनल और डिलीट चैनल, इस पे ये ब्लू लाइन में लिखा है, इस पे क्लिक करना है, किया। अभी ये सर्च हो रहा है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ईमेल अकाउंट और पासवर्ड बताया, तो आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ये नेक्स्ट करना है, ब्लू बॉक्स में आता है उस पर नेक्स्ट करना है। आपको आई वॉन्ट टू हाइड माय, ऐसा दिखाई दे रहा है कंटेंट, आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माय। तो इसमें पहले आपको इस पे जाना है, इसमें ये सारे डिटेल्स आपको पढ़नी है, उसमें आपको ये जो जो लिखा है ये समझना है। द फॉलोइंग विल नॉट बी हिडन, योर चैनल पेज, योर चैनल नेम, ये सब आपको इस पे राइट क्लिक करना है और हाइड माय कंटेंट पे जाना है। तो इसमें हाइड माय कंटेंट आने के बाद ये कुछ सर्च दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये कंटेंट हिडन, फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोबारा से ऐसा पेज आएगा, उसमें आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीटेड माय कंटेंट। तो इस पे ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना, ये इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा खुल के आएगा। तो इस पे ये सारे आपको डिटेल्स दी गई है, आपको द फॉलोइंग विल बी परमानेंटली डिलीटेड, ये सारे के सारे आपके जो भी सब्सक्राइब है चैनल्स में, जो जो आपने डिटेल्स डाली है उसमें, वीडियो डाले, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, उसके मैसेजेस, हिस्ट्री पूरी डिलीट हो जाए। अगर आपको ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपको डिलीट पे करोगे तो परमानेंटली ये चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, और डिलीट माय कंटेंट पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अभी
ये दूसरा है कंफर्म बाय टाइपिंग इन योर चैनल नेम। इसमें आपको लिखना है कौन सा चैनल आपको डिलीट करना है उसका नाम। तो मेरा ये सारिका स्टडी एकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एंड मैथ, कंप्यूटर कंप्यूटर एंड मैथ्स ट्रिक, जो मैंने एक चैनल खोल रही है थी वो मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पे अब डिलीट माय कंटेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये सर्च हो रहा है, अब ये कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो देखा आपने, ये रिमूव योर कंटेंट ऐसा आपको एक पेज में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, योर कंटेंट इज़ बीइंग डिलीटेड। तो इस तरह से आपको ये चैनल आप डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने सीखा है यूट्यूब का अनदर चैनल आपको कैसे डिलीट किया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।